कहाँ से राजस्थान राजसमंद से जी सुना है क्या बात है गुरु जी मैं एक बेटी के कामना लेके आया हूँ बच्चे हैं दो हमारे चाहते हैं कि राजस्थान में राज में आप रहते हैं हाँ जी जी और क्या सो लेके आए और एक जमीन लिया था गांव में तो वहाँ पर बोलते हैं कुछ कि उसमें कुछ धन गड़ा है धन के लिए भी किसी को सपना आता दूसरे को और उसमें एक है माता जी का जो हमने ये लिखा है सुनिए आपने तो बताया नहीं है हमें लिखा भूमि के नीचे माता काली का त्रिशूल गड़ा हुआ है और वहाँ पे बंजारों का धन भी है धन प्राप्त होगा प्रॉपर्टी क्रय की गई है वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है सो वहाँ की शक्ति जागृत होगी आशीर्वाद है ठीक है ना हनुमान जी पे आस्था रखो गुरु कृपा होगी जो हमने पहली लाइन लिखी है वो आपने पढ़ा ही लिया है ना तकलीफ तो नहीं घर में रहने में नहीं जैसा सुना था कि अगर वो त्रिशूल निकाल के ले जाए तो घर पूरा बर्बाद हो जाएगा नहीं ये उपाय ओम ठम 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 ये मंत्र करना है करने से तत्काल सफलता मिलेगी गुरु कृपा होगी हंड्रेड वन परसेंट आशीर्वाद है ये मंत्र एक सौ आठ बार को करना है बोल पंडोकर सरकार की यदि इस मंत्र को आप करते हैं तो हंड्रेड ये आपको त्रिशूल मंदिर जमीन से गढ़ा धन अत्यादि स्वता ही देवी कृपा से भगवती कृपा से समय आने पर प्रेरणा स्वता ही मिलेगी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे और कर्म योगी बनो मेहनती बनो धंधा पानी करो भगवान से ये धन मांगना चाहिए जमीन के गड़ा धन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए यदि त्रिशूल भी है माता भगवती देना चाहती हैं कोई कृपा करना चाहती हैं तो माई से प्रार्थना करें कि हमको जो हमारे योग और उचित तो हम लायक हों तो हमको प्राप्त हो अन्यथा कृपा कर करें ठीक है ना इसको करो और इस मंत्र को 108 सौ बार करना है कर हो तो सफलता मिल जाएगी नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने चले चले हनुमान जी को खड़े हो जाइए क्या समस्या लेके आई हो? अपन बेटा ला मोर बहु को से लेना चाहिए मोर बेटा एक जन खत्म हो ना बड़े वाला ओला मैं अपन बहु को से लेना चाहिए आप क्या चाहती हो उस बहू के साथ लेना चाहती हो बहू को रखना चाहती हो कि बहू को बच्चे लेना चाहती हो बच्चे और बहू को नहीं रखना है रखना है। नहीं ये तो गड़बड़ आप झूठ बोल रही हो बहू को रखना है संगे या बच्चे को लेना है बहू से दोनों झूठ बोल रही हो आप नहीं तो आपको बोलना चाहिए था कि बहू और बच्चा दोनों आके रहे लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला हाँ। कि बच्चा मिल जाए प्रश्न है ना देखो आज आएगी वो बाद में मत के ना तो सच बताओ बहू को रखना है कि अकेले बच्चों को चाहिए दोनों गुरु गुरुजी आ जाएगी घर में <laughs> <laughs> क्या नाम बहू का नेहा और बच्चे का महेंद्र कुमार पहली लाइन ऊपर का देखो नेहा महेंद्र प्राप्त होगा आशीर्वाद है हनुमान जी के पास सफलता मिलेगी हनुमान जी पे आस्था रखो गुरु कृपा होगी आशीर्वाद है छोटे तो वाले हैं है। क्या हो गया था बच्चा नेहा की पति को क्या हो गया था दारू आपकी थी शराब खत्म हो गया मर गया कैसे मर गया था वाले गुड्डू सुई खत्म हो गया नहीं फिर बड़े वाला और खुश खुशी में है उहिला कहा था मैं उसी की तो पत्नी नेहा है हां गुड्डू की हां छोटे वाला की गुड्डू की लो ये मंत्र 108वां करना है इस मंत्र से ओम पढ़िए ओम क्लीम श्रीम फट कुरु कुरु कुरु, कुरु स्वाहा इस मंत्र को 108वां करना है सफलता सिख प्राप्त होगी आशीर्वाद हनुमान जी कृपा से सब अच्छा होगा आशीर्वाद क्या लेके आया घर और एक व्यापार स्थल की का व्यापार है प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री है आप पहले हमसे मिले हाँ जी कब मिले थे पाँच छः महीने पहले उसमें हमने क्या बताया था उसमें तो कोई और बात पूछी थी अभी अच्छा तो ये विषय तो नहीं था ना नहीं 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 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आया वो सुने प्लास्टिक दाने के फैक्ट्री एवं काम दाम में हानि हो रही है तत्काल ही सफलता मिलेगी गुरु कृपा से लाभ होगा आशीर्वाद है ठीक है ना नियम समोषा करो आशीर्वाद जाओ तत्काल ही लाभ मिलेगा आशीर्वाद है क्या नाम है आपका हमने सबसे नीचे आपका नाम ही लिखा था भलाई आपकी पर्ची हमने तो देखी नहीं है क्या है आपकी पर्ची में ये उपाय करो इसके उपाय करने से और बड़ा दर्शन करने से तत्काल सफलता मिलेगी आशीर्वाद है बड़ा जरूर दर्शन करना है आपको ठीक है लो